गाने का बहुत शौक था स्कूलों में। स्कूल में जब मैंने एक सॉन्ग गाया था, मैंने गढ़वाली सॉन्ग था, मेरी छोंदाड़ी, मंगलेश डोंगवाल जी का सॉन्ग था। ऊंचे चल पहाड़े घूम दी, हाँ ऊंचे चल पहाड़े घूम दी, गाँव रा नजारा देखना, पहाड़ों की रानी मसूरी, राजा चक राता देखना। जो नए नए कलाकार इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उसके जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, हम लोगों ने उनका सपोर्ट करना चाहिए। बोल दमाओ, रणसिंगा, इस सब मैं अपने मुंह से बजाता हूँ, और उसमें उसमें भी बजाने का अलग अलग तरीका है कि हम लोग हमारा जौनसार का जो पारंपरिक नृत्य है, हमारा एक झेता, झेता में कैसे बजता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। यूँ तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, यूँ तो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार, मैं अशोक नेगी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हॉलीवुड न्यूज़ में। और आज हॉलीवुड न्यूज़ शो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान, जिन्होंने जौनसार की बोली भाषा तथा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को निरंतर जो आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जौनसार के सुप्रसिद्ध गायक अरविंद राणा की। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हॉलीवुड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए हॉलीवुड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे फेसबुक पेज को लाइक वो फॉलो जरूर करें। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं अरविंद राणा जी से। तो अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉलीवुड न्यूज़ शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मैं हॉलीवुड न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं अपने दर्शकों सभी से निवेदन करता हूं कि आप हॉलीवुड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फेसबुक पेज हॉलीवुड न्यूज़ को आप जरूर लाइक करें। तो अरविंद जी, आपका जो है पहाड़ों की रानी मसूरी बड़ा फेमस ये गीत चला लोगों के अंदर, एक क्रेज़ है, बड़ी गजब की आवाज़ आपकी है, और बड़ा जब भी इसको सुनते हैं बड़ा मज़ा आता है। तो आपने थोड़ा इस गीत के बारे में हमें बताइए कि मतलब क्या सोच के आपने ये गीत बना रखा है? सर, इस गीत के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये गीत लिखा है जौनसार के हमारे एक लोक गायक हैं, बहुत अच्छे लोक गायक हैं, सनी दयाल जी, उन्होंने इस गाने को लिखा है पहाड़ों की रानी मसूरी। तो मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैंने इस गाने को गाया है, और इस गाने में जो म्यूजिक दिया है वो हिमाचल प्रदेश के नंबर वन म्यूजिक डायरेक्टर हैं श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने इस गाने में म्यूजिक दिया है, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। और कोशिश की मैंने भी बहुत अच्छा गाऊँ इस गाने को, मैंने बहुत अच्छा गाया इस गाने को, और लोगों ने बहुत पसंद किया इस गाने को। जी, तो इसकी हो जाए फिर दो चार लाइनें? हाँ बिल्कुल, दो चार लाइनें इसकी अपने दर्शकों के लिए दो चार लाइनें। ऊंचे चल पहाड़े घूम दी, ऊंचे चल पहाड़े घूम दी, गाँव रा नजारा देखना, पहाड़ों की रानी मसूरी, राजा चक राता देखना, राजा चक राता देखना। ऊंचे चल पहाड़े घूम दी, हाँ ऊंचे चल पहाड़े घूम दी, गाँव रा नजारा देखना, पहाड़ों की रानी मसूरी, राजा चक राता देखना, राजा चक राता देखना। वाह अरविंद जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, और गाने में तो आपने बिल्कुल चार चांद लगा दिए। तो अरविंद जी, संगीत जगत में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मन में ख्याल कैसे आया कि यार संगीत जगत में आना? बहुत शौक था शुरू से, मतलब म्यूजिक का बहुत शौक था। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था कक्षा 8, 9, 10 में, तो स्कूल में जब कार्यक्रम होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी का जब कार्यक्रम होता था, तो मैं भी भाग लेता था, मुझे बहुत शौक था संगीत का। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं पहले मैंने शुरुआत मैंने डांस से करी है। अच्छा। पहले मैं डांस किया करता था स्कूल में भी, डांस किया करता था, फिर हमारे साइड रामलीला होती थी, तो रामलीला में मैंने गाया, डांस भी किया। फिर गाने का बहुत शौक था स्कूल में जब मैंने एक सॉन्ग गाया था, मैंने गढ़वाली सॉन्ग था मेरी छोंदाड़ी, मंगलेश डोंगवाल जी का सॉन्ग था, और मैंने वो जब गाया तो मेरा नाम उन्होंने स्कूल वालों ने बच्चों ने छोंदाड़ी रख दिया। हाँ, बार बार मुझे छोंदाड़ी छोंदाड़ी से बोलते रहते हैं, लेकिन मैं बहुत शौक था गाने का सर, शुरू से शौक था। फिर इंटर पास किया अपने कॉलेज स्कूल से, इंटर पास किया, फिर देहरादून आया, तो जब मैंने बीए में मैंने एडमिशन लिया अपना,
तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक सॉन्ग रिकॉर्ड करता हूँ मैं। फिर उस समय मैंने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था चंडीगढ़ में। अच्छा, अमित शर्मा जी हैं, कृष्णा म्यूजिक के जो डायरेक्टर हैं अमित शर्मा जी, उन्होंने मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया था चंडीगढ़ में। तो उस समय फिर मैंने जब एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया तो उस समय काफ़ी ठीक, मतलब मुझे भी लगा कि मतलब मैं गा सकता हूँ। पहले तो स्कूलों में गाया, रामलीला में गाया। मतलब आपने कोई पढ़ाई की है इस क्षेत्र में? ना जी, पढ़ाई तो नहीं कही मैंने, सीखा मैंने संगीत नहीं सीखा है, बस वही गॉड गिफ्ट है, बाकी लोगों को देख देख के थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। जी बहुत अच्छा, आप स्टेज प्रोग्राम भी कर रहे हैं और आपके स्टेज प्रोग्राम तो अल्टीमेट होते हैं, मतलब देखते ही जो है हर कोई रम जाता है आपके गायकी में, आपके स्टेज प्रोग्राम करने के तरीके में। तो ये कहाँ से? देखो सर, ये तब होता है जब पब्लिक भी साथ देती है। हम चाहे कितना अच्छा गा लें, लेकिन जब तक पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं हुआ, पब्लिक को भी तो मज़ा आना चाहिए, पब्लिक भी तो झूमना चाहिए। लेकिन मैं जब स्टेज प्रोग्राम करता हूँ तो मैं पहले पब्लिक को एक बार पढ़ लेता हूँ, पब्लिक को, मतलब पब्लिक को देख लूँ कि पब्लिक क्या मांग रही है, तो उस टाइप के गाने उनके लिए गाता हूँ मैं। तो आप निरंतर, मैंने एक चीज़ देखी है कि आप बहुत पहले से काम करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक ऐसे सिंगर हैं जो निरंतर कुछ ना कुछ हिट देते हुए आ रहे हैं, तो ये मोटिवेट जो है, कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी निरंतर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी का हाथ होता है जो उसे निरंतर सपोर्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अकेले अकेले चलना जो है इतना ईजी नहीं होता। जी 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 जी। तो आपके साथ किस किस का साथ रहा आपका? देखो सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से। जब मैंने संगीत की, जब मैंने इसे शुरुआत करी है, आज तक भी मैंने शुरुआत की है, तो मतलब मुझे जितने भी मेरे से सीनियर्स हैं, मेरे से भी बड़े कलाकार हैं, बड़े भाई लोग, बहुत सपोर्ट किया है मेरा। जितने भी जौनसार के सिंगर हैं, जौनसार के हुआ, गढ़वाल के भी हुए, उत्तराखंड के जितने भी सिंगर हैं, मेरा सभी ने बहुत सपोर्ट किया है। डांस में भी सपोर्ट किया है, गाने में भी सपोर्ट किया है, अगर मैं रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ वहाँ भी मेरा सपोर्ट किया है, और म्यूजिक डायरेक्टर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। एज ए सिंगर तो आपके बहुत सारे एल्बम आई हैं जो आपने गाए, तो कुछ ऐसे एल्बम भी हैं जहाँ पे आपने अभिनय भी किया हो? बिल्कुल किया है, बहुत समय आप। जी जी जी, हाँ। तो ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है, सिंगिंग करना या अभिनय करना ज़्यादा बढ़िया लगता है? देखो, अभिनय का मुझे बहुत शौक था पहले। खैर, आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, तो मुझे अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभिनय का शौक था मुझे और अब मैंने छोड़ दिया समझो लगभग, मतलब अभिनय करना, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। अभी आज से 2 साल पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। अच्छा जी, जिस दौरान आप हॉस्पिटल में एडमिट? जी, पता होगा आपको। तो उस समय से फिर थोड़ा मेरा बहुत काफ़ी, मतलब मैंने बहुत काफ़ी चोट लगी थी मेरे, तो एक्सीडेंट के बाद मैंने अभिनय में थोड़ा क्या बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाँ जी, नहीं तो बीच बीच में अभिनय भी करते रहता मैं और अपने प्रोग्राम्स गाने तो चलते थे। बिल्कुल। तो अभिन जी, आप जो है आप इतना स्टेज प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा आप स्टेज प्रोग्राम करती हैं और गाने भी इतने हिट जाते हैं आपके, तो फैन भी आपकी बहुत सारे हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और तो ऐसा होता है कि लड़कियाँ मतलब बिल्कुल मैसेज कर कर के पीछे ही पड़ जाती हूँ, अरविंद जी मिलना है, बस एक बार मिलो, आप कहाँ मिलना है बताओ, तो इस तरीके की। सर, इस बारे में मैं क्या बोलूँ अब? आते होंगे। हाँ बिल्कुल, देखो फैन, अब हर कोई सोचता है कि अब फैन फॉलोइंग भी, नाम भी ठीक है, आप लोगों का सभी के आशीर्वाद से ठीक अच्छा नाम चल रहा है, ठीक है, तो हाँ हर कोई सोचता है बात करने की, हाई हेलो, तो लेकिन मैं अपने फैन को निराश नहीं करता, मैं सभी का रिप्लाई मैं कर लेता हूँ, सबका मैसेज कर लेता हूँ। लड़कियों का तो करती हो? हाँ बिल्कुल, कर लेता हूँ लड़कियों का भी। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आप स्टेज पे और सडनली थोड़ा पीछे चले गए, बैक स्टेज पे चले गए और लड़कियाँ पीछे से भाग भाग के, अरविंद जी एक ऑटोग्राफ चाहिए? बिल्कुल, होता है, बहुत बार हुआ है। अच्छा, और ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं कि आपने ऑटोग्राफ के साथ साथ अपना नंबर भी दे दिया? नंबर भी बहुतों को दे रखा, सच्ची बताओ। पक्का आपने किया है? हाँ जी किया है नंबर। तो कितना रिस्पॉन्स रहा फिर? जरूर, मतलब उसी दौरान कहीं होगी तो रिप्लाई आ गए होंगे? हाँ, रिप्लाई भी आते हैं, रिप्लाई भी नहीं आते हैं। खैर देखो सर, हमें टाइम भी नहीं हो पाता इतना बात करने का ना, फिर अब प्रोग्राम में बिजी रहते हैं, फिर और भी काम है, अपने घर के भी काम है, फैमिली के भी काम है, तो नहीं हो पाता उतना टाइम बात करने का। मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपके जो फैंस होते हैं, नहीं इतना ईजी नहीं होता उनको हैंडल करना। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल पीछे पड़ा, और यहाँ तक कह जाते हैं कि अगर बात ना करो तो बहुत ईगो इनके अंदर। बिल्कुल, ऐसा हुआ है मेरे साथ, है ना,
ऐसा हुआ है क्योंकि मुझे जब मैसेज मेरे फेसबुक में आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक में एक हज़ार कुछ प्लस रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी है जी। उसमें लड़कियों की ज़्यादा रिक्वेस्ट लड़कियों की है जी। तो मतलब अब 5,000 तो ऑलरेडी फुल हो गए हैं, अब कैसे मैं उनको करूँ, इसलिए फिर तो आप कुछ कहना चाहोगे ऐसे फैंस के लिए, हमारे फैन के लिए? आप ऐसे फैन के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मैसेज करते रहिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे जरूर जरूर, समय निकालेंगे, फिर भी बिल्कुल, समय निकालेंगे, बिल्कुल समय निकालेंगे, खाना तो नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो अरविंद जी, आप कॉलेज भी आपने किया हुआ है, तो किसी से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है अभी या कोई? मुझे तो लग रहा है कि किसी तो मैंने गलत पूछ लिया शायद, मुझे ये पूछना चाहिए था कि कितनों के दिल आप तोड़ चुके हो। मैंने तो दिल नहीं तोड़ा, लेकिन मेरा दिल जरूर टूटा है। अच्छा, एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार मेरा दिल टूटा है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर अब मैंने अब दिल किसी पे लगाना नहीं है। अच्छा, हाँ, अब मैं फ्रेंड बनाता हूँ, दोस्त बनाता हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। अच्छा, आपको पता है कि वही फ्रेंड बनाने से जब काम चल जाए तो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, खैर अब तो। तो शादीशुदी का कोई विचार? शादीशुदी का विचार अभी तो खैर शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे बड़े भाई हैं, उनकी शादी अभी फरवरी में शादी है। तो हमारे यहाँ जो बड़ा लड़का होता है, पहली शादी बोलते हैं उसे, वो बहुत अच्छी होती है, हाई लेवल की होती है। हाँ, भाई का अभी फरवरी में, उसके बाद सोचूंगा, अभी तक खैर सोचा नहीं, 4-5 साल 3-4 साल। तो उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले? मैं जौनसार बावर से हूँ। अच्छा, आपने सुना होगा लाखा मंडल क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, और लाखा मंडल तो आपको पता है कि लाखों देवी देवताओं की मूर्तियाँ, 5 पांडवों की नगरी है, शिव नगरी है लाखा मंडल। आपका एक गीत है बांको जौनसार जी, तो इस गीत के बारे में थोड़ा सी बताएं जी, आपने क्या बोला? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये गीत है, ये आदरणीय श्रीमान सूरत सिंह चौहान जी हमारे जौनसार के हैं, वर्तमान में वो SBI में ब्रांच मैनेजर भी हैं, उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है, और इतना अच्छा उन्होंने सॉन्ग को लिखा है कि हमारे जौनसार के बारे में, टोंस जो हमारे जौनसार बावर है, वो टोंस नदी और यमुना नदी के बीच में है जौनसार हमारा, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मैं आपको सुनाऊंगा 2 लाइनें उसकी, लाइनों के साथ साथ में उसका उदाहरण भी दूंगा कि क्या उसका वाक्य है। जन सारोले टोसा जमुना के बीच दो मेरो बांको, जन सारोले टोसा जमुना के बीच दो मेरो बांको, जन सारोले नए नए जवान प्यारी प्यारी, बाकी नारोले नए नए जवान प्यारी प्यारी। इसका अर्थ है कि जन सारोले टोसा जमुना के बीच दो मेरो बांको, कि हमारा जो बांको जौनसार है, बांको में सोता सुंदर है, हमारा जो जौनसार है वो टोंसर जमुना नदी के बीच में बसा हुआ है, और जौनसार ले नए नए जवान बाकी नारे, मतलब बाकी नए नए जवान और सुंदर सुंदर महिलाएं, सुंदर सुंदर औरतें हमारे जौनसार में है। अरविंद जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है उनको जो नाम मिलना चाहिए, जो फेम मिलना चाहिए, वो नहीं, मतलब उनको मिल पा रहा है, उसका क्या वजह हो सकती है? कि आप कुछ कहना चाहोगे इस पे, या फिर जो हमारी कुछ नए कलाकार जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश हो? उनके लिए मेरा ये संदेश है, जो कि जो नए कलाकार इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो उसके जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, हम लोगों ने उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब उनको नहीं है पता कि कब कहाँ रिकॉर्डिंग होती है, क्या कैसा होता है, गाना कैसा बनाया जाता है, कैसा म्यूजिक बनना है, क्या बनना, कहाँ रिकॉर्डिंग करना। तो हम जितने भी हम पुराने सिंगर हैं, मतलब पुराने बड़े सिंगर हैं, खैर मैं इतना पुराना सिंगर नहीं, मैं तो अभी नया हूँ, खैर जितने भी हमारे बड़े सिंगर हैं, पुराने सिंगर हैं, उन सभी लोगों ने नए सिंगरों के को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। तो आप अपना आइडल किसे मानते हैं इस क्षेत्र में? अब किसे बोलूँ मैं, मेरे तो सभी एक समान है, सभी लोगों ने मेरा वो किया, क्या सभी लोग मेरा सपोर्ट करते हैं जी। जी, तो अभी लगभग कितने एल्बम सॉन्ग आपके आ चुके होंगे? देखो एल्बम्स का मैं तो खैर अभी नया कलाकार हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, जब से मैं संगीत क्षेत्र में आया तब तो वही पेन ड्राइव पर, वही यूट्यूब का ज़माना आ गया था, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम एक गाना कर लेते हैं, अब एल्बम कहाँ बनती है, एक गाना निकालते हैं बस। तो आपने जो है जौनसारी आप गाते हैं, और आपने गढ़वाली भी गाया हुआ है, और एक गीत तो उत्तराखंड के सुपरस्टार संजय सिलोड़ी के साथ आ रखा है आप जी, आई एम सॉरी। हाँ, तो ये आई एम सॉरी क्या है? मतलब
आई एम सॉरी का मतलब ये है कि अब क्या था अब इस गाने का तो अर्थ भी बहुत वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने टाइटल ही गीत के रखा आई एम सॉरी। जी जी तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने इस गाने को लिखा है, राकेश दिलवर जी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं राकेश दिलवर जी, उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है। तो एक दिन मैं उनसे ऐसे ही बैठा था उनके साथ दिलवर जी के साथ, तो हमारी चर्चा हो गई, उन्होंने गाना सुनाया आई एम सॉरी। मैंने कहा यार अब आपने वैसे क्वेश्चन किया था कि आपका दिल टूटा कि नहीं, तो अब मेरा दिल तो टूट रखा था तो मैंने कहा इस सॉन्ग को मैं गाता हूँ। फिर गाया मैंने, फिर मैंने उनसे सॉन्ग लिया और ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया विकासनगर में रुद्रा स्टूडियो में, इस गाने को रिकॉर्ड किया। तो फिर जब रिकॉर्ड किया तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आई एम सॉरी, टाइटल बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत बढ़िया और बिल्कुल जो लिखा होता सेट बिल्कुल मेरे ऊपर वो मतलब आप फिट बैठ गया। फिर मैंने इस सॉन्ग को गाया आई एम सॉरी, और उत्तराखंड के सुपरस्टार अभिनेता बड़े भाई संजू सिलूर जी ने इस गाने में एक्ट किया है, बहुत अच्छा इस गाने में एक्ट किया है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप ये गीत की लाइनें जरूर, हाँ दो लाइनें जरूर अपने दर्शकों के लिए। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गलती मेरी माफ दे या तू मुके करी, आई एम सॉरी गलती मेरी माफ दे या तू मुके करी, आई एम सॉरी। जुग बदला जमाना बदला बदली गई दुनिया, आहा बदली गई दुनिया। जुग बदला जमाना बदला बदली गई दुनिया, आहा बदली गई दुनिया। ढाई आखिर प्यारो के हाँ बिसरी कदी सकिना, आहा बिसरी कदी सकिना। बिसरी जाया तभी सातेणी पीठ दे या मुके फेरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गलती मेरी माफ दे या तू मुके करी, आई एम सॉरी। वाह बेहतरीन, आपने शायद इसमें बीच में हिंदी भी हिंदी का भी एक गाने की लाइन। जी जी हाँ बिल्कुल, हाँ अब जो हिंदी का लाइन है हमने डाला है उसका अर्थ ये है कि ये तो लड़का गा रहा है लड़की के लिए, जैसे मैं गा रहा हूँ किसी के लिए कि आई एम सॉरी गलती मेरी माफ दे तो मुके करी, फिर लड़की क्या गा रही मेरे लिए। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे हम तो रूठ जाएंगे तो आह भरोगे, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो। ये लड़की ने मेरे लिए डेडिकेट किया है, बिल्कुल ये बड़ा यूनिक सा एक मतलब मैंने देखा है आपके सॉन्ग में ये था बिल्कुल, और जॉन सर के कई और भी ऐसे सॉन्ग हैं जैसे हिमाचल में होता है, हिमाचल में भी जो है हिंदी का जो हिंदी की जो लाइनें होती हैं जी 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 के बीच में आते हैं, और ये एक बहुत प्यारा भी लगता है, इतना प्यारा लगता है कि मज़ा आ जाता है एकदम से, गाने का रूप रेखा ही बदल जाता है। मेरी तो मजबूरी सर मुझे डालना था, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है, यूनिक लग रहा है एक उसमें जो है। अब वो मजबूरी हो गई ना कि डालना था, क्योंकि अब मैं तो गा रहा हूँ आई एम सॉरी उनके लिए कि गलती मेरी माफ मुझे कर दे, अब माफ कैसे करेगा वो गा रही मेरे लिए कि तुम रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे तो, लेकिन गाने में बहुत प्यारा लग रहा है। जी 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 जी। अभी आपके आने वाले जो एल्बम्स हैं, हाँ जी अभी मेरा हाल ही में कुछ एक दो दिन बाद मेरा एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है। अच्छा लाखा मंडल आप गए होंगे सर? जी बिल्कुल गए, आप लाखा मंडल गए? वहाँ पर हमारे पांडव गुफा है लाखा मंडल के बगल में, पुड़िया गाँव है मेरा, वहाँ पर पांडव गुफा है गुप्तेश्वर महादेव, तो उसी का सॉन्ग है वहाँ पर जो बाबा जी बैठते हैं कामाक्षानंद पुजारी जी, उनके लिए हमने डेडिकेट किया है ये सॉन्ग। तो मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए दो लाइन उस सॉन्ग की। गुप्तेश्वरा महादेवा शिवलिंग धारी, तेरा गुफा मा भगत रंदु कामाक्षानंद पुजारी। गुप्तेश्वरा महादेवा शिवलिंग धारी, तेरा गुफा मा भगत रंदु कामाक्षानंद पुजारी। पांच पांडोरी धरती माता तेरी जय जयकार, भैरो देवता शिव शंभु बद्री केदार। गुप्तेश्वरा महादेवा शिवलिंग धारी, तेरा गुफा मा भगत रंदु कामाक्षानंद पुजारी। ये गाना एक दो दिन बाद आप लोगों के बीच में होगा, और ये गाना वाई सीरीज फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले गाना मार्केट में आएगा। अच्छा ये वाला? जी जी। तो आप खुद ही आपने लिखा हुआ ये गीत है? ना ये हमारे यहाँ के एक ड्राइवर हैं सुभाष ड्राइवर जी हैं जी, उन्होंने इस गाने को लिखा है। तो आप आपके जो गीत होते हैं वो आप खुद भी लिखते हैं या? देखो सर अब सच्चाई है कि मैं मुझे खुद लिखना नहीं आता है। जी जी जी।
बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे जो बड़े बड़े सिंगर बिल्कुल हैं, और इंटरेस्ट भी नहीं है लिखने में। जी जी, गाने में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पर लेकिन लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। अरुण जी, आपके बहुत सारे गीत आप आ चुके हैं और काफ़ी हिट भी हो रहे हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो हिट होने के लिए मैशअप्स का यूज़ करते हैं, तो आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया कभी कि मैशअप निकालना चाहिए? ख्याल तो आया, मैंने सोचा भी है मैंने कि मैं एक अपना एक जौनसारी हिमाचली मिक्स मैशअप करूँ, जौनसारी हिमाचली मिक्स। अगर आप उसमें गढ़वाली मिक्स करो तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, उसका जो ये हमारा जो पैटर्न है, हमारा एक नाटी पैटर्न है हिमाचल का, जो नाटी पैटर्न है जौनसार का भी, हाँ तो गढ़वाल का थोड़ा हमारा फास्ट रहेगा वो। हाँ जी जी, बाकी अगर गढ़वाल का कोई गाना अगर उसमें मेल करेगा तो जरूर हम करेंगे उसका। नहीं मतलब आप सोच रहे हैं? जी जी जी, सोच रहा हूँ कि हो सके तो नए साल की शुरुआत करेंगे मैशअप से, एक बढ़िया सा मैशअप नॉन स्टॉप, एक बिल्कुल 15-20 मिनट का। कई लोग होते हैं जो मैशअप का विरोध करते हैं, तो आपको क्या लगता है मैशअप गाना कितना सही कितना गलत? इस मामले में तो खैर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं विरोध करूं कि ना करूं, विरोध की कोई करते हैं क्या करते हैं, मैंने तो सर सोचा नहीं इस मामले में कि विरोध करना चाहिए या ना करना चाहिए। जी ठीक है, एक हिसाब से मैं सब सही भी है। जी अरुण जी, आप जौनसार के एक ऐसे सिंगर हैं जो बीट बॉक्सिंग भी करते हैं, कहीं उत्तराखंडी इंस्ट्रूमेंट को आप बजाते हैं मुँह से, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं वो जिन्हें आप मुँह से बजाते हैं? अच्छा जी, बीट बॉक्सिंग वो है कि जो हमारे वाद्यंत्र है, हमारे उत्तराखंड का जो राज्य वाद्यंत्र है ढोल, ढोल दमाओ रणसिंगा, इस सब मैं अपने मुंह से बजाता हूँ। और उसमें भी बजाने का अलग अलग तरीका है कि हम लोग, हमारा जौनसार का जो पारंपरिक नृत्य है हमारा एक झेता, झेता में कैसा बजता है, हारून में कैसा बजता है, मंडौना में कैसा बजता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग बजते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा आप जो है ऐसे ही बताते हुए जरूर। बिल्कुल, खैर आजकल थोड़ा आवाज़ भी थोड़ा ठीक, मतलब ऐसी हो गई कि एक आजकल एक तो लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल, कल भी प्रोग्राम था, प्रोग्राम से कल आपका जो कॉल आया था तो उसमें प्रोग्राम में था, प्रोग्राम से फिर डायरेक्ट में आज सुबह आज आया हूँ, तो हल्का फुल्का उतना नहीं हो पाएगा, मतलब जितना है। तो चलो मैं एक वाद्यंत्र आपको बताता हूँ, ढोल। ढोल जब हमारा, जब महिलाएँ हमारी झेता नृत्य करती है तो झेता नृत्य में कैसा ढोल बजता है उसकी दो लाइन सुनाऊंगा, पहले मैं गाने की उसके बाद मैं ढोल बजाऊंगा, ठीक है जी। भले हुना ए ताऊ फांडी बल बेडूड़िया काई लागे पातेड़ी, हुना ए ताऊ फांडी बल बेडूड़िया काई लागे पातेड़ी, ये था झेता नृत्य, इसमें ढोल हमारा ऐसा बजता है। अच्छा, आगे भी दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट? ढोल दमाओ रणसिंगा वो सारा मिक्स इसी में आ गया सारा वो। अच्छा, बाकी इसमें बहुत है, जो पैड पैड में जैसे पैर था, बाकी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, अभी नहीं हो पा रहा उतना। जी जी जी, तो अरविंद जी, एक सिंगर के रूप में आपको किन किन चीज़ों का संघर्ष करना पड़ा इस क्षेत्र में? अच्छा, अब सिंगिंग का शौक भी था, पढ़ाई भी थी, पढ़ाई भी जरूर करनी थी, घर वाले फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में कहाँ मन लगता जब सिंगिंग का इतना शौक था। खैर पढ़ाई भी करी, पढ़ाई भी धीरे धीरे चली, और सिंगिंग के साथ साथ अपना मतलब पढ़ाई भी करते रहा, अपने सिंगिंग भी चलते रहे, स्टेज प्रोग्राम भी करता रहा। अगर आप एक सिंगर नहीं होते तो क्या कर रहे इस समय? अगर मैं एक सिंगर नहीं होता इस समय, कहीं कहीं ना कहीं या फिर नौकरी में लगा होता है या फिर अभी तैयारी करता रहता। तो आपने उत्तराखंड के कहीं नामी कलाकारों के साथ भी आपने काम किया, कहीं नए कलाकारों के साथ आपने काम किया, तो किनके साथ आपको काम करके मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा? मुझे सभी के साथ बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने सपोर्ट किया मेरा, खैर मेरा सपोर्ट किया, मेरा व्यवहार मेरा उस साथ सब लोगों के साथ की, मतलब सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो अरविंद जी, अभी हम बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप अपने दर्शकों को कुछ संदेश जरूर दें। जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, दोबारा मैं संदेश को देना चाहता हूँ कि आप हॉलीवुड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि आप लोग इतना वो करें कि हम लोग कलाकारों के लिए आप इतना करें कि आप हमें बुला रहे हैं और हमारे बारे में आप दर्शकों तक हम लोगों की बातें पहुंचा रहे हैं एक सिंगर की, तो मैं इसका मैं आपका मैं हॉलीवुड न्यूज़ का मैं अपनी तरफ से
अपने दर्शकों की तरफ से भी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपने बहुत सुंदर पहल करी है एक जी, बहुत जी जी तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते क्यों ना आपका एक गीत हो जाए। बिल्कुल, एक मेरा गीत है, बहुत मनपसंद गीत है मेरा, एक अभी आने वाला है, कुछ टाइम बाद आने वाला है सॉन्ग है मेरा, गाँव समाज। ये राकेश दिलवर जी ने इस सॉन्ग को लिखा है, बहुत अच्छा इस सॉन्ग को लिखा है। तो इस सॉन्ग पे कि मैं दो चार लाइन आपको सुनाऊंगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। सॉन्ग का नाम है गांव समाज। गांव में जो लोग रहते हैं हमारे, कैसी परिस्थितियाँ, कैसी परिस्थितियों के अनुसार गांव में रहते हैं, बारिश लग रही है, फिर बारिश में खेतों में काम कर रहे हैं वो लोग, तो उसी का एक अंतर है कि गांव का जिम्मेदार डोखरी फूंडा गोष्ठो गोडनी साथी चौमासे रितिंदी पानी की सांदोई मुंडे दिलाई है पातोई। गांव का जिम्मेदार डोखरी फूंडा जोंगुलाओ गीत आछे अपने गांव समाज बाकी पहाड़ की रीत आछे अपने गांव समाज आछे गांव के लोग बिसरियानु मुलुक आपुड़ो बाकी पहाड़ की शोभा। ये जल्द ही आने वाला है मेरा सॉन्ग। मैं चाहूँगा थोड़ा सी जो आपने इस गीत में ये बताया आपने, तो इसके थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों को कि इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी एक लाइन गाई थी मैंने, आछे हमारे गांव समाजा आछे गांव के लोग बिसरी यानु मूलि को अपना बाकी पहाड़ों की शोभा, कि हमें अपने मुलुक अपने अपना गांव को हमने नहीं भूलना चाहिए, हमने अपनी लोक संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, जितने भी हमारा मतलब लोक संस्कृति से जुड़े हैं हम लोग, तो हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति से ही हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे और अपना कीमती समय आपने हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ जौनसार के सुप्रसिद्ध सिंगर अरविंद राणा जी, और आगे आप ये न्यूज समय कौन से सिंगर को देखना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से लाइक फॉलो करिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।